मैं जानता हूं कि तुम्हें शादी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो, लेकिन ये शादी आज नहीं हो पाई, ये शादी कल होगी। क्या देख लीजिए उस लड़की के साथ शादी, इससे तो अच्छा है कि मैं जिंदगी में बदसूरत बन के रहूं। फंक्शन की क्या जरूरत थी दिग्विजय? केडिया साहब, ये सब बच्चों की खुशी के लिए, देखिए ना दीपेश कितना खुश लग रहा है। अच्छा दिग्विजय एक बात बताना, जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भाई साहब के दो बेटे हैं, एक ये शरद और पुनीत, और एक बेटी है चंदना, और ये चौथा राधे कहाँ से आ गया? आपसे किसने कह दिया कि राधे भाई साहब का बेटा है? भाई जिस तरह से फंक्शन का जिम्मा उसने संभाला हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है, और फिर वो भाभी को माँ और माजी को दादी माँ कहता है, ये रिश्तेदारी देख करके तो रिश्ते बनाना और निभाना ये तो इस घर की खासियत है। कोई भी बाहर का आदमी भी इस घर में आकर इस तरह घुल मिल जाता है जैसे कि वो हमेशा से ही इस घर का है। तो मतलब राधे मान गए भाई दिग्विजय तुम्हें भी और इस घर को भी, यहाँ जितनी अहमियत खून के रिश्तों को मिलती है उतनी ही अहमियत दिल के रिश्ते को भी मिलती है। भाई इसी वजह से तो एक अनाथ को पूरा परिवार मिल गया और इस घर को एक वफादार नौकर। सर भूल कर भी राधे को नौकर मत कहिएगा वरना उर्मिला बुरा मान जाएगी। जिस दिन से उर्मिला शादी करके इस घर में आई थी उस दिन से उसने राधे को अपना बेटा मानकर ही पाला है और बहुत लाड़ भी करती है उसे। अगर राधे को कोई भला बुरा कह दे तो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। नहीं भाई बिल्कुल नहीं कहूंगा। सुनिए सुनिए, मैं हैव योर अटेंशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी प्यारी बहन की सगाई है, तो इस खुशी को दुगना करने के लिए और इस रंगीन शाम को और रंगीन करने के लिए हमने एक खास मेहमान को बुलाया है। उनकी अदा और उनके हुस्न से आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो मेहरबान दिल थाम के रखिए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस मेहमान का। यह है हमारा राधे, चंदना की मुस्कुराहट के लिए ये सब किया इसने। दरअसल ये इसकी सोच नहीं है, जरूर चंदना के भाइयों ने इसे ये करवाया है, लेकिन इसके भोलेपन ने इस फंक्शन को एक अलग ही रंग दे दिया। भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने, घर के बाहर भी पहरा लगा कर रखा है। एक जगह बैठकर अपने नसीब को कोसने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो भाग कर जाते कहां छुपाते अमोली को? एक बार कुमुदी को हमने भगाने की कोशिश की थी मालूम है ना, उसका अंजाम अब तक देख रही है ना तू? फिर क्या करूं? अपनी कोशिश छोड़ के उसे ठाकुर के हवाले कर दूं? मैं गरीब हूँ इसलिए ठाकुर की वासना की बलि चढ़ने दूं उसे? क्यों कहती है तू? मतलब हे भगवान,
तू अपना न देखने का नजरिया बदल दे। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता है। वाकई में अगर अमूली की शादी ठाकुर से हो जाती है ना, तो वो ठाकुरानी बन जाएगी। छोटी ठाकुरानी सुमन, तो छोटी ठाकुरानी का मतलब जाती है ना? तू कहना क्या चाहती है? कि मैं अमूली की शादी उसके साथ कर दू? नहीं कंका, ये कभी नहीं हो सकता। तो बेड़ा सर को बोलू ना कोस, पागलपन मत कर। देख, अमूली की शादी हो जाएगी ना, तो वो राज करेगी, राज इस गांव पर राज करेगी। हाँ, अगर इस गांव पर नहीं बल्कि 100-100 गांव पर। हेमक सुमन, तू तो ठाकुर को अच्छी तरह जानती है ना? अगर ठाकुर जिस चीज को चाहता है ना, उसे हासिल करके ही रहता है। और देख लेना, वो किसी भी हालत में अमूली की शादी किसी लड़के से होने नहीं देगा, देख लेना। और ईश्वर ना करे कल वो उसने उसे उठवा लिया तो कम नहीं सुमन, तुम्हारी ना उसकी जिंदगी में बर्बादी लाएगा।